That is a well developed 3D round shoulder ना सिर्फ आपके पर्सनैलिटी को और अच्छा लुक देता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी शो करता है, और जब ये आप ड्रेसअप करते हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है, आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्ट्रांग दिखते हैं, मैस्कुलिन दिखते हैं। वही अगर आप सोचिए आपका शोल्डर वीक हो, आगे की तरफ झुका हो, आपका पोस्चर करेक्ट नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा ड्रेसअप कर लें, आपकी पर्सनैलिटी उसमें अच्छी नहीं दिखेगी गाइस। तो एज अ मेल आई अंडरस्टैंड किसी मेल के लिए, बॉय के लिए उसका शोल्डर स्ट्रांग दिखना, ब्रॉड दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बट एक स्ट्रॉन्ग और 3D शोल्डर डेवलप करना इतना आसान नहीं है गाइस। तो आज अपने शोल्डर वर्कआउट रूटीन में जो जो वर्कआउट मैंने किया आपके लिए रिकॉर्ड किया है, और इस शोल्डर वर्कआउट को आप अपने वर्कआउट प्रोग्राम में ऐड करके अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वेल डेवलप बना सकते हैं और 3D लुक दे सकते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ गाइस, हमारे शोल्डर में 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट डेल्टॉइड, मिड डेल्टॉइड, रियर डेल्टॉइड। हम तीनों पार्ट को टारगेट करेंगे गाइस, और आपको वर्कआउट को टेक्निक्स बताऊंगा गाइज, जिससे कि आपका वर्कआउट इफेक्टिव हो जाए और जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हैं वो मसल वेल डिवेलप हो। बट मेक श्योर गाइज आप वर्कआउट के साथ एक प्रॉपर मील फॉलो करेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, सो दैट आपकी रिकवरी अच्छी हो और आपका मसल मास ग्रो करे। और आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें गाइज, सो दैट वो भी एक अच्छा वर्कआउट रूटीन शोल्डर का फॉलो कर सके गाइज। गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एंड वार्म करने के बाद मेक श्योर आप शोल्डर के रोटेटर कफ का वार्म जरूर करेंगे, जिसे आप केबल से या डंबल से कर सकते हैं। ऐसा करने से वर्कआउट के टाइम पे इंजरी के चांसेस कम जाते हैं, आप वेट भी ज्यादा लिफ्ट कर पाएंगे अपने शोल्डर पे। वार्म अप कंप्लीट करने के बाद शोल्डर का पहला वर्कआउट करेंगे गाइज फेस पुल। फेस पुल हमारे रियर डेल्टॉइड को टारगेट करता है, तो फेस पुल का पहले 2 सेट लगाना है हमें लाइट वेट पे, इतना वेट कि हम उसे अपने 2 फिंगर से घींच पाए, और 20-20 रेपिटेशंस के 2 सेट लगाने हैं, जिसे हम फील सेट बोलेंगे गाइस। तो फिंगर से रस्सी के एंड में पकड़कर उसे अपने आईज तक घींचना है, पीछे कॉन्ट्रेक्शन देना है, देन रिलीज इट। फिंगर से पकड़ने के पीछे रीजन है गाइस, इससे आप माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज्यादा यूज कर पाएंगे रियर डेल्टॉइड से, और उसे कॉन्ट्रेक्शन दे पाएंगे। देखिए मैं किस तरह से यहां कर रहा हूं, अपने आईज तक इसे घींच रहा हूं, पीछे कॉन्ट्रेक्शन दे रहा हूं, हाफ सेकंड का पॉज देना है, देन रिलीज इट गाइस। बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा स्लो नहीं करना है। 2 फील सेट 20-20 रेपिटेशंस के लगाने के बाद रेस्ट करके आपको हैवी सेट लगाने हैं फेस पुल। 2 फील सेट लगाने के बाद गाइस अब मैं लगाऊंगा 3 हैवी सेट फेस पुल के, वेट बढ़ाकर यहां पर फेस पुल करना है। ग्रिप भी चेंज कर दिया है मैंने, फिंगर से अब वेट को नहीं पुल कर पाऊंगा, इतना वेट है कि मैं सिर्फ 15 रेपिटेशंस खींच पाऊं। तो 3 हैवी सेट 15-12-10 रेपिटेशंस के गाइस लगाने हैं, टोटल होगा 5 सेट्स। जब आप रियर डेल्ट को टारगेट करेंगे टोटल 5 सेट लगाएंगे, इसमें पहला 2 सेट होगा फील सेट लाइट वेट पे 20-20 रेपिटेशंस के, और 3 वेट बढ़ाकर 15-12-10 के गाइस। आपको पहले वर्कआउट के बाद ही रियर डेल्टॉइड में फील आ जाएगा चेंज का, पंप का गाइस। लेट मी शो यू द पंप ऑफ रियर डेल्टॉइड, लेट मी शो यू द पावर ऑफ टेक्निक। करेक्ट टेक्निक से अगर आप वर्कआउट करते हैं गाइस, आपको पहले वर्कआउट में चेंज फील हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे रियर डेल्टॉइड में कितना अच्छा पंप आया है, कितना सेपरेट मसल दिख रहा है। तो गाइस आप इस वर्कआउट को जब करेंगे आपको भी सेम पंप फील होगा। तो चलते हैं अगले वर्कआउट की तरफ गाइस, जो कि अगेन है फॉर रियर डेल्टॉइड। नेक्स्ट वर्कआउट गाइस रियर डेल्टॉइड फ्लाई मशीन पर लगाना है हमें, रियर डेल्टॉइड के लिए 3 सेट 15-12-10 रेपिटेशंस के। मेक श्योर मशीन पर जब आप बैठेंगे आपका पोजीशन अपराइट हो, मींस चेस्ट अप, लोअर बैक टाइट, और आपका स्टमक मशीन में टच नहीं होना चाहिए। पीछे हैंडल को घींचकर लाना है, रियर डेल्टॉइड को कॉन्ट्रैक्शन देना है, फिर आगे स्लो लेकर जाना है। 3 सेट वेट बढ़ाकर 15-12-10 के। तो बैक टू बैक हमने यहाँ पर 2 वर्कआउट किया गाइस रियर डेल्टॉइड के लिए, फेस पुल और रियर डेल्ट फ्लाई। इससे हमारा रियर डेल्टॉइड पूरी तरह से डैमेज होगा, माइक्रोस्कोपिक डैमेज मिलेगा। जब आप प्रॉपर मील लेंगे, रिकवरी करेंगे, आपका रियर डेल्टॉइड ग्रो करेगा और आपके शोल्डर पे अच्छा लुक मिलेगा गाइस। तो 2 वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट शोल्डर। नेक्स्ट वर्कआउट है गाइस साइड रेज और लैटरल रेज फॉर लैटरल शोल्डर। थोड़ा टेक्निकल वर्कआउट है, जिनको प्रैक्टिस कम है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो सोनू को थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूं मैं। इसे कैसे करना है, डंबल को थाई के बगल में रखना है, जब ऊपर की तरफ से लिफ्ट करना है मेक श्योर आप एल्बो से स्ट्रेंथ जनरेट करें और डंबल को एल्बो से ऊपर लेकर नहीं जाना है, नहीं तो आपका पोस्चर गड़बड़ हो जाएगा, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा बॉडी को मूव भी नहीं करना है गाइस, और जब डंबल को ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपने लैटरल शोल्डर को कॉन्ट्रेक्शन देना और नीचे स्लो लेकर आना है। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन थोड़ा हाई रखना है, 20 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन और 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं गाइस। 3 सेट लगाने के बाद लेट मी शो यू द पंप।
कितना अच्छा पंप आ रहा है मेरे साइड शोल्डर में और रियर डेल्ट में, फ्रंट का शोल्डर भी मेरा पंप हो गया है गाइज। तो इसे ही कहते हैं 3D शोल्डर, जिसमें आपका फ्रंट, आपका मिडिल और आपका रियर तीनों शोल्डर प्रॉपर तरीके से दिखे और डिवेलप हो। तो गाइज अभी तो मैंने बस थर्ड वर्कआउट किया है, तो आप सोचिए जब आप इस वर्कआउट को ऐड करेंगे आपको कितना मजा आएगा। ये रहा सोनू का पंप, सोनू अभी 4 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा पंप है गाइज। पंप चेक करने के बाद गाइज मैं लगाऊंगा सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस के 3 हेवी सेट, वर्किंग सेट है मेरा गाइज। ये डंबल को बिल्कुल बीच में पकड़ना है और बेंच पे बैठकर कोशिश करना है खुद से डंबल को लिफ्ट करने का, ऊपर की तरफ इसे पुश करना है और फुल रेंज ऑफ मोशन में डंबल को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और जब नीचे डंबल लाए मेक श्योर आप फील करें कि आप डंबल से शोल्डर को प्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइड नहीं करना है गाइज, नहीं तो आपके बाइसेप्स पे प्रेशर आएगा। 3 सेट लगाने गाइज इसके फ्रंट डेल्टॉइड के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट भी हम करेंगे फ्रंट डेल्ट के लिए, फ्रंट रेस गाइज, इसके भी 3 सेट लगाने हैं, बट रेपिटेशन थोड़ा हाई रखना है। पहले सेट में लगा सकते हैं आप 20-20 रेपिटेशन दोनों हाथ से, फिर वेट बढ़ाकर 15-15 और फिर 10-10 रेपिटेशन। लेट मी शो यू कैसे करना है गाइज। डंबल को बिल्कुल बीच में पकड़ना है, थाई में टच नहीं करना है डंबल को गाइज, थाई से थोड़ा ऊपर रखना है सो दैट कंटिन्यू टेंशन बना रहे आपके फ्रंट डेल्ट पे। ऊपर की तरफ इसे लेकर जाना है और नीचे स्लो लाना है, मेक श्योर गाइज बहुत ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाए, नहीं तो आपके ट्रैपेजियस पे भी, ट्रैप्स मसल पे भी इफेक्ट आ जाएगा। तो हम सिर्फ फ्रंट डेल्ट को टारगेट कर रहे हैं, इसके 3 सेट लगाने हैं गाइज। इस तरह से हमने 2 वर्कआउट किया फ्रंट डेल्टॉइड के लिए, 1 वर्कआउट साइड डेल्टॉइड के लिए और 2 वर्कआउट रियर डेल्टॉइड के लिए गाइज। लास्ट वर्कआउट हम करेंगे अगेन फॉर फ्रंट डेल्टॉइड बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस, बारबेल से करना है इसे गाइज। सोनू थक चुके हैं इसलिए थोड़ा सा उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेट मी शो यू बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस कैसे करना है गाइज। ग्रिप इसमें थोड़ा वाइड रखना है और आपको खड़े होकर पहले बारबेल को ऊपर शोल्डर तक लाना है, बैठे बैठे नहीं उठाना है गाइज। अब उसके बाद आपको पुश करना है और अपने सर के पीछे लाना है, पैरेलल टू फ्लोर जब आपका बाइसेप्स आ जाए उसके बाद आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे तो आपके बैक में पेन हो सकता है गाइज। बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है फ्रंट डेल्टॉइड के लिए गाइज। तो इसके भी 3 हेवी सेट लगाने हैं 12-10-8 रेपिटेशन के, बट मेक श्योर ज्यादा वेट हो तो आप पीछे सपोर्टर से हेल्प ले सकते हैं गाइज। ये लास्ट वर्कआउट है गाइज, इसके बाद हम करेंगे फिनिशर वर्कआउट, मीन्स लाइट वेट पे ऐसा वर्कआउट जो कि पूरे शोल्डर मसल को पंप करेगा, लेकिन इसे साइज नहीं बढ़ेगा, जिससे सिर्फ आपको पंप मिलेगा। तो हाई रेपिटेशन पे 3 सेट लगाने हैं इसके गाइज, 20-20-25-25 रेपिटेशन के, 3 kg के डंबल से कर रहा हूँ गाइज। इससे क्या होगा कि मेरा पंप बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरी तरह से मेरा शोल्डर मसल एग्जॉस्ट हो जाएगा गाइज। ये लास्ट वर्कआउट रहा गाइज। गाइज डू ट्राई दिस शोल्डर वर्कआउट इन शोल्डर डे गाइज, और मुझे अपना फीडबैक बताएंगे गाइज। आप देख सकते हैं शोल्डर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के लाइफ में आपको रोल प्ले करने पड़ेंगे, तो वहां पर शोल्डर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है गाइज। और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट मैं आपके लिए और वर्कआउट वीडियोस, डाइट की वीडियोस पोस्ट कर पाऊं। एंड वंस अगेन गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। एंड नेक्स्ट टाइम एनीथिंग फिटनेस, थिंक विशाल।